नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलोत्पल और आप देख रहे हैं टेक इजी हिंदी। आज हम देखेंगे किसी भी एंड्रॉयड का एप्स को आप कैसे हाइड कर सकते हैं, मतलब आपका मोबाइल का किसी भी एप्स या गेम या किसी भी आइकन को कैसे हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए आपको एक लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है एपेक्स लॉन्चर। तो सिंपली हम प्ले स्टोर में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं एपेक्स लॉन्चर। देखिए ये जो पहला वाला ऑप्शन आया है एपेक्स लॉन्चर है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। इसको एक्सेप्ट करते हैं जैसा कि इंस्टॉल का प्रोसेस है। इंस्टॉल होने के बाद सिंपली यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं या बैक करके भी ओपन कर सकते हैं। देखिए ये जो लॉन्चर का जो लॉन्चर दिख रहा है ये एपेक्स लॉन्चर को, तो यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन की आइकन को हाइड करने के लिए एपेक्स सेटिंग्स में आते हैं। एपेक्स सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे पहला जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन है होम स्क्रीन, उसके बाद ड्रॉअर सेटिंग में आते हैं। ड्रॉअर सेटिंग में आने के बाद जो पहला ऑप्शन है हाइड एप्स, इसको क्लिक करते हैं। हाइड एप्स के अंदर आप जो एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं उसको यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां से मैंने प्ले स्टोर को हाइड करना चाहता हूं, तो सिंपली यहां पे मैंने प्ले स्टोर को सिलेक्ट करते हैं और राइट साइड में जो ऊपर वाला सेव ऑप्शन है यहां पे हम क्लिक करते हैं। तो यहां पे हमारा जो प्ले स्टोर था वो हाइड हो चुकी है। तो हम देखते हैं कैसे यह हाइड हुआ और नहीं। यहाँ पे बैक करने के बाद जब भी हम होम बटन में क्लिक करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक तो यह इसका जो पहला लॉन्चर था डिफॉल्ट लॉन्चर वो दिख रहा है और दूसरा जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये एपेक्स लॉन्चर है जिसको अभी मैंने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट लॉन्चर है उसको आप सिलेक्ट करेगा तो ये हाइट नहीं होगा। तो हम एपेक्स लॉन्चर को सिलेक्ट करते हैं। एपेक्स लॉन्चर में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने जस्ट वंस में क्लिक करता हूँ, आप चाहे तो ऑलवेज में क्लिक कर सकते हैं यह परमानेंटली हाइट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जस्ट वंस में क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे अभी तक प्ले स्टोर दिख रहा है डेस्कटॉप में। तो यहाँ पे प्ले स्टोर दिख रहा है लेकिन आप इसका मेनू का अंदर आते हैं तो देखिए यहाँ पे कहीं तक भी प्ले स्टोर नहीं दिखा रहा है, मतलब यहाँ से तो हाइड हो चुकी है लेकिन जो डेस्कटॉप का ऊपर जो आइकन था शॉर्टकट वो हाइड नहीं हुआ है। तो अब कैसे इसको हाइड करते हैं, तो यहाँ को जो प्ले स्टोर है यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद देखिए यहाँ फुल्ली प्ले स्टोर जो था वो हाइड हो चुकी है, यहाँ पे कहीं भी प्ले स्टोर नहीं दिख रहा है, मतलब ये प्ले स्टोर कम्प्लीटली हाइड हो चुकी है। तो इसको पाने के लिए तो दो ऑप्शन, इसको फिर से प्ले स्टोर को ओपन करने के लिए तो आपको होम बटन में क्लिक करना चाहिए और लॉन्चर को सिलेक्ट करते हैं। लॉन्चर को सिलेक्ट करने के बाद फिर भी जस्ट वंस में क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखिए प्ले स्टोर आ चुकी है। तो इस प्रोसेस फॉलो करके आप किसी भी एप्लीकेशन या गेम को हाइड कर सकते हैं और फिर भी आप किसी भी और एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आप सिंपली होम बटन में प्रेस करते हैं और एपेक्स लॉन्चर को सिलेक्ट करते हैं। एपेक्स लॉन्चर को सिलेक्ट करने के बाद देखिए फिर एपेक्स सेटिंग आ चुकी है, यहाँ पे
हम दूसरा कोई एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए ड्रॉअर सेटिंग में ड्रॉअर सेटिंग के अंदर जो पहला ऑप्शन था हिडन एप्स, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्ले स्टोर ये हाइड ऑप्शन के लिए सिलेक्ट है। इसको आप चाहे तो हाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको जो ऑप्शन है राइट सिलेक्ट को आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को आप फिर भी पहला जैसा रखने के लिए इस हाइट को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये और हाइट नहीं होगा। और दूसरा कोई एप्लीकेशन को जैसे यहाँ पे एक गेम था ट्रैफिक राइडर, इसको हाइट करने के लिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सेव बटन में क्लिक करते हैं। फिर से हम एपेक्स लॉन्चर में आते हैं और देखिए यहाँ पे जो गेम था वो हाइट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे जो मैंने गेम को सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, मतलब ये हाइट हो चुकी है। लेकिन ये अनइंस्टॉल नहीं हुआ, मतलब ये आपका फोन में ही है लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। इसको आपको ओपन करने के लिए आपको लॉन्चर को चेंज करना पड़ेगा और जस्ट ऑन में क्लिक करते हैं। फिर देखिए पहला जो मैंने जो दूसरा गेम को हाइड किया ट्रैफिक राइडर, ये आप दिखा रहा है। और इसको फिर से हाइड करने के लिए आप एपिस लॉन्चर में आते हैं और जस्ट ऑन में क्लिक करते हैं और देखिए ये फिर से हाइड हो गया है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को आप फॉलो करके आप किसी भी एप्लीकेशन गेम या आप जो भी चाहे एप्लीकेशन को आप छुपा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा और यूजफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको देता रहूंगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा इस तरह एक वीडियो से।